कल रात भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के तहत दुबई में खेले गए मैच पर क्रिकेट सट्टे की खाई वाले लगवाड़ी करने वाले सट्टा अड्डे पर छापा मारकर एक व्यापारी पुत्र को रंगे हाथ दबोचा, जबकि सट्टा अड्डा चलाने वाले नागपुर के एक बड़े बुकी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 3 ने कल रात बड़ी कार्रवाई करते हुए विशाल तन्ना के अड्डे को निशाना बनाया। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में उस समय एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का सुपर 4 मैच चल रहा था। पुलिस ने तन्ना के अड्डे से पालित नंबर 205 फ्लैट नंबर 202 जितेंद्र अपार्टमेंट सूर्य नगर निवासी आरोपी हिमांशु भूपेंद्र चेलानी को क्रिकेट मैच पर खाईवाली लगवाड़ी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उसने पुलिस को बताया कि वह अम्बेडकर चौक निवासी क्रिकेट बुकी विशाल तन्ना के लिए काम करता है। तन्ना चूंकि गोंदिया में रहकर कारोबार करता है, इसलिए वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने तन्ना और चेलानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तन्ना के सट्टा अड्डे से पुलिस ने 50,000 रुपए कीमत का मोबाइल, नगद 2,500 रुपए, पेन आदि मिलाकर कुल 52,510 रुपए का माल बरामद किया। आरोपी को अगली कार्रवाई के लिए कलमना पुलिस के हवाले किया गया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। कल भारत पाकिस्तान की मैच होती, त्या मॅचच्या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त सरांनी आदेश दिले होते की क्रिकेट बुकी यांचं पुन्हा काम करत असल्याची त्यांना माहिती मिळालेली। त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या हद्दीमध्ये सर्व शहरामध्ये शोध मोहीम राबवली होती। आमचे पथक तयार करून आमच्या API मोरे यांचं पथक हे गस्त करताना त्यांना आंबेडकर गार्डनजवळ एक माणूस आपल्या फोनमधून काहीतरी खाईवळी करताना दिसला, त्यामुळे त्यांना संशयितरित्या पकडून त्याच्याकडे चेकिंग केली असता ते सट्टा लावायचं आणि लोकांचे पैसे स्वीकारून स्वतःचा फायदा करण्याकरता, आर्थिक फायदा करण्याकरता जुगार खेळत असल्याचं दिसून आलं। त्याप्रमाणे त्याला ताब्यात घेतलं आणि त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करून कळमना पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करून त्यास त्या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे। त्याची माहिती घेतली असता आता जे क्रिकेट बुकी आहेत किंवा जे सट्टा लावतात हे ऑनलाईन पद्धतीने लोकांचे पैसे त्यामध्ये गुंतवणूक करतायत किंवा त्यामधून स्वीकारतायत असं दिसून आलं। त्यामध्ये एक विशाल तन्ना नावाचा पाहिजे आरोपी आहे, त्याची ती ID होती आणि त्या ID वर ह्या जो आरोपी आहे हितेश हिमांशु चेलानी ह्या ते पैसे स्वीकारत होता लोकांकडून। आता पुढील तपास चालू आहे, पाहिजे आरोपीचा शोध घेणं सुरू आहे। तर एक नागरिकांना विनंती आहे की आपण अशा ज्या क्रिकेट बुकी किंवा सट्टा लावण्याच्या जे लोक मॅचच्या आणि प्रयत्न करतात आपण यामध्ये बळी पडू नये आणि हा कायद्याने हा जो असे जे कोण करत असतील त्यांची माहिती आम्हाला पुरवावी असे मी सर्वांना विनंती करतो। BCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।